आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्याज और शिमला मिर्च की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी को बना के आपका दिल खुश हो जाएगा और खाने के बाद तो होटल का खाना बिल्कुल नहीं याद करेंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार और आसान प्याज और शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी की रेसिपी को शुरू करते हैं। प्याज और शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए एक बर्तन में 3 चम्मच तेल गरम करें। फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च। तो यहाँ पे 3 बड़े शिमला मिर्च को मैंने ऐसे काट लिया है और यहाँ पे 4 प्याज लिया है मैंने। दोनों को ऐसे स्क्वायर शेप में काटें। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ये प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे और इसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें इन दोनों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहे उतना ही फ्राई करें। तो यहाँ पे अगर आपको ये शिमला मिर्च ज़्यादा हरा चाहिए तो आप यहाँ पे गैस को बंद कर दें और इसे निकाल लें, नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट शिमला मिर्च जो है वो पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा और भून लें। तो मैं इसे थोड़ा सा और पका लेती हूँ और यहाँ पे प्याज शिमला मिर्च को हमने फ्राई कर लिया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। तो पहले हमने प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है, अब ये जो पैन में तेल बचा है ना उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अदरक लहसुन ये प्याज और टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच अदरक लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो लहसुन और अदरक को थोड़ा सा पका लें, उसके बाद हम इसमें प्याज और टमाटर डाल देंगे। मिला दें इसे। प्याज और टमाटर को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। आप चाहिए तो प्याज टमाटर को ऐसे भी पीस सकते हैं बिना भुने, लेकिन भुना हुआ जो प्याज टमाटर होता है ना उसकी सब्जी जो होती है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम होटल जैसी बनती है। तो यहाँ पे मैंने इन्हें भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक मिक्सिंग जार में निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर ले, उसके बाद आप इसे ब्लेंड कर लें, पानी वगैरह इसमें नहीं डालें। तो इसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। अब हम करी बनाएंगे, तो उसके लिए आप चाहिए तो दूसरा पैन ले ले या पैन को क्लीन कर ले या फिर सेम पैन में बनाएं। तो मसाला पेस्ट हमारा रेडी है और यहाँ पे ये जो पैन है गैस को ऑन करके इसे गरम कर ले, उसके बाद हम इसमें वापस तेल डालेंगे। तो यहाँ पे 3 चम्मच तेल डालती हूँ मैं। तेल के गरम होते ही हम इसमें 1 बड़ी इलायची तोड़ के डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता डाल दें, थोड़ा सा दालचीनी और 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दें। इसके बाद हम इसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल देंगे। तो तेल जब ज़्यादा गर्म नहीं है ना तभी आप इसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल दें, उससे क्या होता है सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो 2 छोटी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाल दिया मैंने। अगर तेल ज़्यादा गर्म है तो हल्दी लाल मिर्च इसमें नहीं डालें, नहीं तो वो जल जाएगा और सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। और इसके बाद ये जो हमने मसाला का पेस्ट बनाया है ये इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा पानी मिला के बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दें। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ये धनिया पाउडर डाल दें, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दें, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दें या फिर 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे और ढक के 2 मिनट तक पका लेंगे धीमी आंच पे। तो प्याज टमाटर को हमने पहले से भुना है तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट धीमी आंच पे पकाएं। 2 मिनट बाद हम इसे वापस एक बार ऐसे मिक्स करेंगे और मसालों के किनारे से तेल दिखने लगेगा ना, मतलब मसाला हमारा पक गया है। तो ये जो मिक्सर जार में थोड़ा मसाला था उसमें पानी मिला के डाल दिया मैंने, मिला दें इसे। अब हम क्या करेंगे कि इसे वापस एक बार कवर करेंगे और 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दें यहाँ पर और ये देखिए मसालों का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जितना मसाला को पकाएंगे मसाले का कलर उतना ही अच्छा आएगा और सब्जी का टेस्ट उतना ही बढ़िया बनेगा। तो ये हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि दही मिलाएंगे। तो मसाला जब गर्म रहे ना तब दही नहीं डालें, कभी कभी दही जो है वो फट जाती है। तो दही को मिला के ऐसे साइड में रख दें और यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ दें और इसे हल्का सा ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें दही डालेंगे। तो मसाला ठंडा हो चुका है, इसमें 2 चम्मच दही डाल दें। दही की जगह आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दही को स्किप कर सकते हैं। मिला दें इसे और जैसे ही मसाला जो है वो दही में अच्छे से मिक्स हो जाएगा गैस को वापस ऑन कर दें और इसके बाद इसे ऐसे 1 मिनट के लिए तेज आंच पे भून लें। तो ये हमारा मसाला जो है वो अच्छे से मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे वापस ढकेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे, मिला दें इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। तो आप चाहिए तो इसमें पानी नहीं डालें और इसमें जो भुना हुआ प्याज शिमला मिर्च है वो डाल दें, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए ना तो यहाँ पे 1/2 कप के करीब पानी डाल दें। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करें इस सब्ज़ी में। तो ग्रेवी की जो थिकनेस है वो आप इतना रखें। तब हम क्या करेंगे कि इसमें भुना हुआ प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पर ये डाल दें। प्याज और शिमला मिर्च डालने के बाद हमें इसे ढक के सिर्फ 2 मिनट पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसे ऐसे हल्के हाथों मिला दें और उसके बाद हम क्या करेंगे, पैन को कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। बस उसके बाद हमारी ये मज़ेदार सब्जी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो इसे ऐसे रख देती हूँ मैं।
2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये देखिए सब्जी का जो कलर है वो कितना बढ़िया आया है ना, होटल से भी अच्छा। तो शिमला मिर्च की सब्जी तो आपने बहुत सारी खाई होगी, आप एक बार इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ये सब्जी आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम यहाँ पे गैस को बंद करते हैं और ले चलते हैं सब्जी को सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया। आप इस सब्जी को रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ, सबके साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। होटल से अच्छी सब्जी आप घर पे बनाएंगे यकीन मानिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।